47 का स्क्वाड यहाँ पे पिंच जरूर हो चुका है। आईपीएस के स्लेयर थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पे स्पॉट जरूर करेंगे स्मोक को, बट अगर मिनी मैप की बात करें तो हमारे पास टीम स्टार भी यहाँ पे जोन के अंदर आ चुकी है। अलादीन यहाँ पे टीम स्टार 12 खेल अपने लिए ऑलरेडी कर चुके हैं, जोन के अंदर भी आ चुके हैं, तो टीम स्टार को भी देखना होगा, टीम को उनका भी देख के खेलना होगा, क्योंकि टीम स्टार जिस मोमेंटम के साथ यहाँ पे खेलती है, आई डोंट थिंक यहाँ पे अगर एंड तक जाते हैं तो एटलीस्ट 20+ किल्स डिनर हो सकता है टीम स्टार का। अब अगर यहाँ पे जब अगर एंड तक सर्वाइव करते हैं तो अच्छे खासे किल्स के साथ डिनर जो है वो इनका रहेगा जरूर, बट इसके लिए जब वो सर्कल के एज पे आ चुका है जहाँ से वो फाइट लड़ चाहेंगे, टीम स्टार के राइट साइड पे टीम 47 भी रहने वाली है। इसके लिए यहाँ पे देखो तो 47 भी अपने प्लेयर्स को अप कर चुके हैं, बट रॉर भी एंट्री लेना चाह रही है, आईबीएस इसके लिए गेट कीप करने की कोशिश करेगी, आईबीएस के प्लेयर्स भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, सो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट टीम रहेगी, बट 47 के रिव्यूज यहाँ पर ऑल इन आ जाएंगे एंड टीम आईबीएस यहाँ पर जब नॉक कर देगी, इसके लिए 47 के रिव्यूज यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश करते हैं, इसके लिए ट्री पे जो है वो डैमेज निकालने की कोशिश करते हैं रिव्यूज की तरफ से, बट यहाँ जब नॉक निकाल पाते और अब जो है वो टीम रॉर को सर्कल पुश करेगा तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात बनने वाली हैं। हाँ बिल्कुल, मुश्किल थोड़ी सी बढ़ने वाली है, बट रिव्यूज़ का नेट भी उनके लिए मुश्किल जरूर क्रिएट करना चाहेगा, रिव्यूज़ का नेट जरूर जाएगा, दूसरा नेट भी रिव्यूज़ यहाँ पे थ्रो करेंगे, 47 खान 420 को वंस अगेन नॉक किया जाएगा, उनको भी रिवाइव करना होगा, फेरो यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं, 4 किल 47 का स्क्वाड भी अपने लिए जरूर ले चुका हुआ इनके सामने, बट रोर का स्क्वाड रहने वाला है, वो किस तरह से इनको तंग करता है देखना पड़ेगा। टीम स्टार की बात करें तो वो भी इनके बिल्कुल साथ ही रहने वाले हैं, स्टार के एमके को यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा, वंस अगेन एमके काफ़ी ज़्यादा नॉक होते हुए इस मैच के अंदर, उनको वहाँ पर रिवाइव जरूर चाहिए होगा, 55 सेकंड्स है सारी टीम के पास, उनको भी जोन के अंदर जाना है, यहाँ पे पोर्टल स्पोर्ट्स की गर्ल्स रहने वाली हैं फॉर श्योर, फॉर नाउ इनके पास एक किल भी नहीं रहने वाला, बट यहाँ पे टॉप 10 के अंदर अभी जगह बनाने में कामयाब हो चुके, यहाँ पे हेजल का एक लेट जाएगा आईपीएस के प्लेयर को, डीमन को यहाँ पे नॉक कर देगी हेजल, यहाँ पे रोर के अकबर 47 के खान 420 को नॉक करते हुए, दूसरे पे अगर बात करें तो हमारे पास स्टार के जिनकॉट 47 के फेरो को नॉक करते हुए, 47 के रिव्यूज काफी देर से अपनी टीम के लिए सोलो सर्वाइव करते हैं और रिवाइव कर रहे हैं 47 के खान 420 को, बट यहाँ पे रोर का स्क्वाड स्लोली स्लोली रशिंग करता हुआ इनके ऊपर, बिल्कुल ब्लिस्ट भी एक साइड से गर्ल्स भी साइड से आ जाएंगे, इसके लिए 47 के लिए मुश्किल बढ़ जाएंगे बिकॉज उनके यहाँ पर उनके ऊपर जो है वो रशियन जो है वो टीम्स की तरफ से किया जरूर जा रहा है एंड वो यहाँ पर जो है एलिमिनेशन के दहाड़े पर आ जाएंगे, इसके लिए कोशिश की जाएंगे प्रेशन करने की, बट पैकेट से टीम स्टार आती है, दे गेट अनदर किल, और ज्यादा किल्स यहाँ पे, व्हाट डू दे वांट, व्हाट डू स्टार वांट, किल्स एंड मोर किल्स, यहाँ पर फिर से सर्कल में जाना चाहते हैं बट उनकी फिर से फाइट बन जाएगी 15 किल्स के बाद, अभी भी वो टीम फाइट लेती नजर आ रही है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे टीम रॉड के साथ फाइट बन जाएगी, यहाँ पे एक को काफी डैमेज पड़ेगा बट रॉड के प्लेयर्स के साथ यहाँ पे जब फाइट बनती हुई जरूर भी लो लेंगे और यहाँ जब वो नॉक नहीं निकाला जाएगा, इमेजिन क्यू आर से थर्ड पार्टी करे पैकेट से तो काफी मुश्किल बन सकती है रॉड के लिए, बट रॉड की तरफ से नॉक निकाला जाएगा, अब वो रशिंग करते हैं या नहीं करते एक सवाल रहेगा, एम के ओपीएस डिफरेंट एंगल पर जाने की कोशिश करें बट नेट स्पैम किए जाएंगे इस पर टीम स्टार के ऊपर और उनको नॉक करने की कोशिश की जा रही है, रोजे यहाँ पे जो है वो व्हीकल ब्रोकन व्हीकल लेके कब बना रहे हैं, जिन कोड यहाँ पे सर्कल में पहुंच पाएंगे लेकिन यहाँ पे जरोजे को नॉक किया जाएगा, जिन कोड सर्कल में आते हैं, दिस इज अ बैड मूव बाय टीम स्टार, Somehow अभी भी जरोजे सर्कल में आ जाते हैं बट एम के ओ पी एस यहाँ पर प्रॉन हो जाएंगे, बाकी प्लेयर्स को जब एलिमिनेट होते होते बच जाएंगे, जिन गॉड इज डाउन टू 1 एचपी, एम के यहाँ पे अपना को हील करें बट यहाँ पे अकबर का स्पॉट किया जाएगा, इंस्टेंट डैमेज देंगे फिर से और यहाँ पे ग्रोजा चलेगी, नॉक निकाला जाएगा, अकबर का स्पॉट करेंगे, उनको भी नॉक करेंगे, एम के इज नॉट कमिंग स्लो यार, किल्स कन्फर्म करने की कोशिश, व्हाट इज टीम स्टार डूइंग, फिर से स्पॉट करेंगे एक और प्लेयर को लेकिन इस बार नॉक नहीं निकलेगा, एम के लेफ्ट हैंड से जाने की कोशिश बट रियलाइज करते हैं नो इट्स अ बैड मूव, हील करेंगे अपने आपको, उसके बाद जाने की कोशिश करेंगे बट यहाँ पे रशन करने की कोशिश करेंगे, ओके बैक एंड से कवर रहेगा लेकिन एम के का फिर से एक और नॉक, क्या ये 1v4 हो सकता है, क्या ये 1v4 हो सकता है, एंड यस ही डज दैट, 1v4 बाय स्टार एम के यार, जीज आई एम स्पीचलेस, जिस तरह से इस ग्रोजा को चलाया, क्या किए यार, ग्रोजा रेडी रॉक्ड, रोर का स्क्वाड जोन का एडवांटेज पे था, टीम स्टार जोन के बाहर आई और एमके यहाँ पे 1v4 पुल ऑफ करते हुए इस पॉइंट के ऊपर, बट और टीम स्टार एक प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया गया है 19 किल्स बट उनके सामने फ्यूरी एलिमिनेट होकर फ्यूरी को रिवाइव दिया जा सकता था, ये एक मिस्टेक होगी, थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन बट तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के लाइक ठोकी यहाँ पे देखिए।